दोस्तों, मानवता के इतिहास में इंसान ने अलग अलग तरह के जीवों वनस्पतियों को खाकर अपना जीवन गुजारा है। आज भी दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में खाने की चीजों और उसके असर को लेकर रिसर्च जारी है। अलग अलग कम्युनिटीज में कुछ चीजों को खाना वर्जित माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक समाज में किसी चीज को बेहद चाव से खाया जाता है, वहीं दूसरे समाज में इसी चीज को वर्जित माना जाता है। इसके पीछे इन चीजों के इंसानी शरीर और मन पर पड़ने वाले असर को जिम्मेदार माना जाता है। बीते कुछ सालों में हुए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कई ऐसी चीजों का पता लगाया है जिनके खाने से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर ऐसे ही 5 चीजों का जिक्र है जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होने पर इन्हें खाने से परहेज करना चाहिए। पफर फिश, ये एक ऐसी मछली है जो सिर्फ छूने से अपने आप को गेंद जैसा गोल कर लेती है। इसके अंदर का जहर साइनाइड जहर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस मछली में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक जहर होता है जो अपने तेज गति से फैलने के लिए जाना जाता है। हालांकि इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी इस मछली से बनी फुगु डिश जापान में काफी पसंद की जाती है। जापान में फुगु डिश को अक्सर सूप के साथ परोसा जाता है, लेकिन इस डिश को हर कोई नहीं बना सकता। इसको बनाने के लिए कई सालों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसे बनाने वाले शेफ भी सालों की ट्रेनिंग के बाद ही अपने ग्राहकों को ये डिश परोस पाते हैं। असल बात यह है कि जब तक इस मछली से बनी डिश ग्राहक तक पहुंचे, तब तक इसके जहरीले हिस्सों को निकाल देना चाहिए, जो सिर्फ एक एक्सपर्ट कुक ही कर पाता है। कासू मार्जू चीज, खाने की इस चीज के बारे में सुनकर ही आपका जी खराब हो सकता है। दरअसल इसे कासू मार्जू चीज कहते हैं। ये इटली में काफी पॉपुलर है। इसे बनाते हुए इसमें उड़ने वाले कीड़ों का लार्वा डाला जाता है। कुछ समय बाद ये छोटे छोटे कीड़े चीज को इतना मुलायम बना देते हैं कि चीज के बीचों बीच का हिस्सा क्रीम जैसा हो जाता है। कासू मार्जू चीज के स्वादिष्ट होने की वजह भी ये कीड़े ही हैं। लेकिन इस चीज को खाना इतना आसान भी नहीं है। ये चीज खाते हुए आपको कीड़ों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि जगह मिलने पर ये कीड़े 15 सेंटीमीटर तक उछल सकते हैं। वहीं इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चीज भी बताया गया है, क्योंकि अगर इस चीज में मौजूद कीड़े मर जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इसे खाने से पेट खराब होने, उल्टी और डायरिया होने की आशंका रहती है। रूबब, ब्रिटिश पकवानों में इस्तेमाल होने वाली रूबाब को काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन इसे लेकर लोगों में बहस भी जारी है कि ये कितनी जहरीली है। दरअसल रूबाब के साथ लगी पत्तियों में ऑक्सैलिक एसिड होता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान खाने की कमी होने से रूबाब के पत्तों को खाने के लिए रिकमेंड किया गया था, जिससे बहुत लोगों के शरीर में जहर फैल गया और उनकी मौत हो गई थी। इसका जहर इसकी पत्तियों में बेहद ज्यादा होता है और इसलिए ये खाने से बचना चाहिए। डेथ कैप मशरूम, हरी कैप लिए हुए डेथ कैप नाम का मशरूम दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा जहरीले मशरूम में से है। इसकी बनावट और रंग कई खाई जाने वाली मशरूम की स्पीशीज से मिलता जुलता है, इसलिए इसको गलती से इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये प्रजाति वैसे तो पूरे यूरोप में आम मिल जाती है, दुनिया के बाकी भागों में भी ये तेजी से फैल गया है। इस मशरूम को अगर आप कुक भी कर लें, तब भी इसका जहर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इतना जहरीला होता है कि सिर्फ आधा मशरूम ही एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। दुनिया में जितने भी मशरूम पॉइजनिंग को लेकर घटनाएं हुई है, डेथ कैप मशरूम की संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें एमेनिटी नाम का जहर होता है जिससे लिवर किडनी फेल हो जाते हैं। जायफल, ये प्रसिद्ध मसाला इंडोनेशिया में पाए जाने वाले पेड़ से आता है। इसका इस्तेमाल भारत, इंडोनेशिया और यूरोप के कुछ खास पकवानों में किया जाता है। भारत में तो ये गरम मसाले में भी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। ये सूप, मिठाई और अलग अलग देशों में डिशेस के अलावा कुछ पेय पदार्थ बनाने के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो इससे जी मिचलाना, दर्द, सांस में दिक्कत होना और मानसिक दौरे आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बहुत पुराने समय में ये गलतफहमी थी कि इसका एबॉर्शन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पर ऐसा करने पर मानसिक संतुलन खोने की घटनाएं आम थी। इसका असर खाने के कई दिनों तक रहता है।
दोस्तों, क्या आप ऐसी कोई और खाने की चीज जानते हैं जो कि इतनी जहरीली हो सकती है? मुझे कमेंट्स में बताएं, अपने सुझाव कमेंट्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाएं। धन्यवाद।